हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनवी सूद। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मोदी सरकार ने जब से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया है, तभी से हर कोई अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। जहां एक तरफ पाकिस्तान इस फैसले से बौखलाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ भारत के भी ऐसे कुछ लोग हैं जो देश विरोधी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। दरअसल हाल ही में अमेरिकन कॉमेडियन, राइटर, प्रोड्यूसर, पॉलिटिकल कमेंटेटर हसन मिनाज ने मोदी के इस ऐतिहासिक फैसले पर कुछ ऐसा बोल दिया है जिसे सुनने के बाद भारत की जनता गुस्से में आ गई है। हसन की एक सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर आती है, जिसका नाम है पेट्रियोटिक एक्ट विद हसन मिनाज। इस शो में वो मजाकिया तरीके से अमेरिका समेत दुनिया भर में चल रही गंभीर टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने एक एपिसोड में ऐसी ऐसी बातें कह दी हैं जिसकी वजह से भारत के लोगों के साथ साथ सेलिब्रिटीज भी काफी नाराज हो गए हैं। हसन मिनाज ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा था, As India celebrates its independence, let's think about the people who don't seem to have any right now. #Kashmir। वहीं इसके साथ उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें वो कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसे सुनकर आप भी शॉक्ड हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये स्वतंत्रता दिवस है, यानी भारत अंग्रेजों से अपनी आज़ादी के 72 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है, लेकिन जब मैं आज़ादी और स्वराज जैसी बातें सोचता हूँ, तब ना चाहते हुए भी मेरे दिमाग में कश्मीरी लोगों और आर्टिकल 370 पर वहाँ चल रही चीज़ों का ख्याल आता है। कश्मीर को अपने साथ शामिल करने के लिए हमेशा से भारत और पाकिस्तान लड़ते रहे हैं, और इस चक्कर में वो दोनों देशों के हाथ की कठपुतली बना हुआ है जिसका इस्तेमाल बार बार ये दोनों देश करते हैं। और मुझे लगता है कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हमें कश्मीर के बारे में सोचना चाहिए, वहाँ रहने वाले 80 लाख से ज़्यादा लोगों के बारे में सोचना चाहिए। वहाँ कम्युनिकेशन के सारे माध्यम बंद कर दिए गए हैं, कोई माता पिता अपने बच्चों से बात नहीं कर सकता, किसी को ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि उसका परिवार ठीक है या नहीं। ये बहुत भयावह स्थिति है। मैं इस बात से डरा हुआ हूँ कि वहाँ चीज़ें समय के साथ और ख़राब ही होंगी, और हम यहाँ बैठकर इस स्वराज को बर्बाद होते देख रहे हैं। इसलिए भारत की आज़ादी के दिन मैं कश्मीर के बारे में सोच रहा हूँ, जो अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा है। उनकी बातें सुनने के बाद अनुपम खेर भी काफी गुस्से में आ गए, और उन्होंने मिनाज को टाइम्स नाउ का एक वीडियो देखने की सलाह दी जो कि 2016 की है, जिसमें वो अपनी पूरी कहानी से लोगों को रूबरू करवा रहे हैं। इस वीडियो में अनुपम खेर कहते हैं कि मैं कश्मीरी पंडित हूँ, भारतीय मूल्यों में विश्वास रखने वाला, शांति प्रिय और धर्म निरपेक्ष, शिक्षित, अहिंसक, कानून का पालन करने वाला देशभक्त नागरिक। मुझे 26 साल पहले अपने घर से निकाल दिया गया था। ये मेरी कहानी है। 1989 तक पूरे कश्मीर में आतंकवादी थे और राज्य सरकार ने अपनी सभी जिम्मेदारियों को छोड़ दिया था और किसी प्रकार का कोई प्रशासन नहीं रह गया था। ऐसा लगता था जैसे भारतीय होना एक गाली हो। आतंकवादी हिटलिस्ट जारी करने में लगे हुए थे, हर वो शख्स जो भारत समर्थक मुखबिर करार दिया जाता था। इन सब के बावजूद मैं आज भी उम्मीद करता हूँ कि हमारे साथ इंसाफ हो। जय हिंद। साथ ही उन्होंने एक ट्वीट करके लिखा, प्रिय हसन मिनाज, मैं आपका एक्ट देखना पसंद करता हूँ। ये सोचकर अच्छा लगता है कि भारत में पैदा हुए एक लड़के ने अपने लिए इतनी बड़ी ऑडियंस बना ली है। आपका हालिया वीडियो क्लिप देखा जिसमें आप कश्मीर के लिए चिंतित दिख रहे थे। मैं कश्मीर के सच का दूसरा पहलू भी देखना पसंद करूँगा। ये वीडियो हिंदी में है, उम्मीद है आपको समझ आएगी। शुक्रिया। इसके तुरंत बाद ही अनुपम ने एक और ट्वीट करते हुए अपनी गलती सुधारी। हसन इंडिया में नहीं, कैलिफोर्निया में पैदा हुए थे और उनके माता पिता अलीगढ़ से थे। वेल, अनुपम ने हसन को मुंह तोड़ जवाब देकर लाखों लोगों का दिल जीत लिया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि हसन मिनाज मिस्टर खेर के इस ट्वीट का क्या जवाब देते हैं। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।